2003 में आई थी शाहिद कपूर, अमृता राव और शहनाज स्टारर इश्क विच, वो अमेजोन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, वो जाके देख लो। इश्क विच रीबाउंड थिएटर में जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है। Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I'm here to review the film Ishq Vishq Rebound. आप लोग के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है? Ishq Vishq Rebound जैसी मूवीज भी देखनी पड़ती है कि मैं रिव्यू करूं और फिर आप लोग को बताओ कि आप लोग वो मूवी देखे या ना देखे। Well, मत देखिए, मेरी पहली लाइन से आप समझ गए होंगे इस रिव्यू की। Well, अगर Ishq Vishq की स्टोरी की मैं बात करूँ तो एक बहुत ही कॉमन सी स्टोरी है। तीन फ्रेंड्स हैं, दो लड़के एक लड़की, एंड उसमें एक जो लड़का लड़की है वो एक कपल होते हैं, उनको बीच में प्यार होता है बट देन वो ब्रेकअप्स करते रहते हैं। एक दिन उनका ब्रेकअप हो जाता है और फिर लड़की को दूसरे वाले लड़के के लिए फीलिंग्स जाग उठती है एंड ऑफ कोर्स वो कन्फ्यूजन हो जाता है, लव ट्रायंगल बन जाता है। बीच में एक दूसरी लड़की का भी कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको बेसिकली कुछ नहीं रोल दिया गया है, बट हाँ वही हो रहा है जो यू नो हम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स वाला पार्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ द फिल्म। और आपको भी पता है कि एंड में क्या होगा, हीरोइन किसको पसंद करेगी और किसके साथ उसका यू नो पेयरिंग बनेगा, वो तो आप पिक्चर देख के समझ जाओगे, ट्रेलर देख के ही समझ गए होगे मे बी। वेल, और सबसे पहले स्टोरी की मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा इट्स अ वेरी बेसिक स्टोरी, बट ऑफकोर्स हमने बहुत बार देखा है कि ऐसी बेसिक स्टोरीज को भी व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है तो हम इन्जॉय करते हैं, बट यहाँ पे वो भी नहीं होता। फर्स्ट हाफ इज वेरी डल, वेरी डल। आई मीन मुझे सच में लग रहा था द मूवीज रन टाइम इज जस्ट 106 मिनट्स, बट फिर भी आपको बहुत स्ट्रेच लगेगी। एंड फर्स्ट हाफ में कुछ देयर इज नथिंग हैपनिंग, कुछ एंटरटेन नहीं करता, मे बी यहाँ वहाँ कपल ऑफ लाफ्टर्स है बस और कुछ नहीं। सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी बेटर होती है, आफ्टर इंटरवल इट स्टार्ट्स ऑन अ वेरी गुड नोट, बट वंस अगेन इट डिप्स एंड यू नो आई हैव टू से कि एंटरटेन नहीं करती है ये फिल्म। यू नो अगर मैं ये सब भी भूल जाऊँ कि यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने ऐसे पहले देखा हुआ है वगैरह सब कुछ, बट एंटरटेनमेंट फैक्टर तो होना चाहिए ना एक फिल्म के लिए। इफ आई एम वॉचिंग अ रोम कॉम, कॉमेडी थोड़ी बहुत है यहाँ पे, रोमांस है थोड़ा बहुत यहाँ पे, बट एज एन होलसम दिस फिल्म इज नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो रोहित सराफ हैज गॉट द मोस्ट मीटियर पार्ट हियर एंड ही हैज परफॉर्म्ड वेल, क्यूट लग रहे हैं, नेशनल क्रश उनको बोल दिया गया है, क्यूट लग रहे हैं, पार्ट उनको सूट कर रहा है, उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया है। पश्मीना रोशन यू नो इस फिल्म से वो डेब्यू कर रही है एंड दो शी लुक्स प्रिटी, शी डांसेस वेल, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग शी रियली नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन इट। उनकी एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी जरा भी अच्छी नहीं है, सो एक्टिंग वाइज शी डजंट इम्प्रेस अस एट ऑल। जिब्रान खान जिनको हमने K3G में यू नो एज अ चाइल्ड एक्टर देखा था, वो यहाँ पे एज अ यू नो लीड डेब्यू कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में उनका स्क्रीन टाइम कम है, सेकंड हाफ में उनको एक अच्छा स्क्रीन टाइम दिया जाता है एंड बिलीव मी ही इज द बेस्ट अमंग द स्टार कास्ट, यू नो इफ आई हैव टू से। लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी वो बहुत इंप्रेस कर जाता है, यू रियली फील कि यार जिब्रान का है, वी वॉन्ट टू सी हिम मोर ऑन द बिग स्क्रीन बिकॉज ही हैज अ ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस। सो आई रियली विश कि उनको एक बड़ा रोल मिले एंड वी गेट टू सी हिम मोर इन मूवीज। द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज नायला ग्रेवाल, यू नो यू हैव सीन हर इन थप्पड़, a series like Mamla Legal hai, she is one of the most talented actresses we have in the industry aur yahan pe unko waste kar diya gaya hai, she literally has no role, it hurts you know to see ki that such a fine actress has been wasted. Supriya Pilgaonkar ka ek kuch scenes hai acche hai and she has performed well. Shiba ma'am, you know Shiba Chadda ma'am, wo sirf ek scene ke liye hai is movie mein एंड बिलीव मी शी प्रूव्स कि भाई एक सीन में आके भी मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगी कि दैट सीन विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट सीन ऑफ द फिल्म। वेल, अगर मैं ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी कहा मूवी एंटरटेनिंग नहीं है एंड मे बी जेंजीज जो है उनको शायद से अच्छी लग जाएगी बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट दिस रोमांस रीबाउंड ये वो सब, बट आई डोंट नो एज अ होल एज अ मूवी द मूवी इट्स नॉट अ गुड फिल्म, सो आई एम जस्ट गोइंग विद 2 stars एंड आई वुड जस्ट एज आई सेड रिकमेंड यू कि ये इश्क विश रीबाउंड थिएटर में ना देखिए, Amazon Prime Video पे जाइए, शाहिद अमृता वाली इश्क विश देखिए और उसको एंजॉय कीजिए।